स्वागत है आपका आरटीएस न्यूज में और मैं आपके साथ रैना बानो। खबर है सिरोही से, जहां शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के निर्देश अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर लद्दाख की गालवान घाटी में चीन सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 जवानों की शहीदत को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष जीवालाम आर्य की अगुवाई में शहीदों को सलाम दिवस का आयोजन कर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। जिला कांग्रेस प्रवक्ता संजय कुमार वर्मा ने बताया कि जिला मुख्यालय पर अंबेडकर सर्कल पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोपहर 11 से 12 बजे के बीच अंबेडकर प्रतिमा के साथ तिरंगा झंडा ताले एकत्र होकर मोमबत्ती दिए जलाकर शहीदों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नियंत्रण रेखा पर भारतीय सीमा में चीन अतिक्रमण का विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, वीर शहीद अमर रहे, चीन मुर्दाबाद का नारा भी लगाया। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष जीवाराम आर्य ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने भारतीय शास्त्र बालों की सर्वश्रेष्ठ परंपरा का निर्वहन किया है। उन्होंने शौर्य गाथा देशवासियों की स्मृति पटल पर सदा अंकित रहेगी। आर्य ने कहा कि देश सेना के साथ है, हमारे सैनिकों का बलिदान देशवासियों को प्रेरणा देगा। सिरोही से अनिल सिंह तोमर की रिपोर्ट।